नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मांगी गहलोत। तो राजस्थान जीके 47 चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान की कला और संस्कृति को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिनमें हम लोगों ने लगभग स्थापत्य कला के लगभग सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। और उसके बाद आज हम लोगों ने राजस्थान की जो बावड़ियां हैं उसका दूसरा पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले। पार्ट नंबर एक हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, आज हम पार्ट नंबर दो की बात करेंगे। पार्ट नंबर एक में हमने राजस्थान की मुख्य मुख्य बावड़ी, जैसे लोहिनी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, चांद बावड़ी है, नवलखा बावड़ी, ये बावड़ियां पढ़ ली, जिनमें से मेनली क्वेश्चन पुटअप होता है। और आज हम राजस्थान की जो बावड़ियां हैं उनको जिले वाइज पढ़ेंगे, जैसा कि हम सभी टॉपिक्स पढ़ते हैं कि RJ1 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। RJ1 कौन सा जिला है राजस्थान का? RJ1 की अगर मैं बात करूं, RJ1 मतलब कि अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। RJ1 कौन सा जिला है हमारा? RJ1 जो जिला है वो अजमेर। अजमेर में कौन कौन सी बावड़ी है? अजमेर में सिर्फ एक ही बावड़ी है, वो आपको याद रखनी है, भिक्काजी। भिक्काजी या भिक्खाजी की बावड़ी आप इसको बोल सकते हैं। कौन सी बावड़ी? भिक्काजी या भिक्काजी की, भिक्काजी या भिक्खाजी कोई भी बोल सकते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? ये अजमेर में है, अजमेर में है। और हमारे जो बीकानेर है, हमारा जो बीकानेर है, बीकानेर का जो भुजिया है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बीकानेर का भुजिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसी को तर्क मान के, आधार मान के हम इसको याद करेंगे। हम देखेंगे कि आज मैंने बीकाजी का भुजिया खाया, आज मैंने बीकाजी का भुजिया खाया, मतलब ये कहीं भी आपको बीकाजी दिखा दिखा कर दिखेगा तो आपको याद आएगा एक बार अजमेर की, आज मैंने बीकाजी का भुजिया खाया था। RJ1 में हम लोगों ने एक ही बावड़ी देखनी है, एक ही बावड़ी मेनली RJ1 में हमारी है। उसके बाद हम बात करते हैं RJ2 की। RJ2 कौन सा जिला है? अलवर जिला है। RJ2 हमारा जिला है अलवर। अलवर में कौन कौन सी बावड़ियां हैं? अलवर की अगर मैं बात करूं तो अलवर में हमें दो ही बावड़ियां याद रखनी है, जिनमें से एक बावड़ी है हमारी अजबगढ़। कौन सी बावड़ी है? अजबगढ़। और दूसरी बावड़ी हमारी कौन सी है इसमें? भानगढ़ बावड़ी, दूसरी हमारी अलवर में हो जाएगी। अजबगढ़ भानगढ़, ये वैसे अजबगढ़ भानगढ़ का नाम आता है तो दिमाग में अलवर कहीं ना कहीं टिक करता ही है कि अजबगढ़ भानगढ़ का मतलब भी क्या है? अलवर है। तो अजबगढ़ और भानगढ़ बावड़ियां कहाँ हो गई? अलवर में। इसके बाद हम बात करते हैं RJ3 की। RJ3 जिला है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कोई बावड़ी क्वेश्चन या हमारे एग्जाम में आने लायक कोई भी नहीं है, इसलिए बाड़मेर को हम स्किप करेंगे। बाड़मेर में कोई मुख्य बावड़ी सॉरी बांसवाड़े में कोई मुख्य बावड़ी नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे RJ4। RJ4 में कौन सी बावड़ी? RJ4 जिला है हमारा बांसवाड़ा सॉरी बाड़मेर। कौन सा है? RJ3 है बांसवाड़ा, और RJ4 कौन सा है? बाड़मेर जिला है। RJ4 कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला। और बाड़मेर में हमें एक मुख्य चीज क्या याद रखनी है? बाड़मेर में है बाटाड़ू, बाटाड़ू का कुआ, बाटाड़ू का कुआ। जो बाटाड़ू का कुआ है इसका निर्माण करवाया था ठाकुर गुलाब सिंह ने, सिंहदरी के ठाकुर है गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, सिंहदरी के ठाकुर गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके बारे में एक बात और याद रखनी है, इसको कहा क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मारवाड़। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का जल महल। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का जल महल किसको कहा जाता है? बाटाड़ू के कुएं को मारवाड़ का जल महल कहा जाता है। इसके बाद बाड़मेर में हमने एक बात और याद रखनी है, बाड़मेर में जो एक बावड़ी है हमारी उसको बोलते हैं पग बाव या पग बावड़ी। क्या कौन सी बोलते हैं? पग बावड़ी। देखो याद कैसे करोगे? देखो बटाड़ू को याद करो, बटाऊ, बटाऊ यानी जवाई, जवाई यानी जिज्जो, जिज्जो यानी टापरा, फुफो। बटाऊ, बटाऊ ने कितो ही समझा दियो, बटाऊ एक कर लड़ दियो नहीं तो वो पुट्ठो ही चाले वो, बटाऊ ने कितो ही समझा दियो, बटाऊ एक बार अगर कहीं साथ लड़ दियो तो पुट्ठो ही चाले वो। कहने का मतलब ये है बटाऊ को कितना ही समझा दो, एक बार वो लड़ लिया तो बटाऊ का पग बाढ़ का नहीं जाएगा। बाढ़ मतलब, बाढ़ को हमने राजस्थान में पुट्ठे से डिनोट किया जाता है कि गलत काम के लिए डिनोट किया जाता है। तो बटाड़ू यानी बटाऊ एक कर लड़ लियो तो बिंगा पग बाढ़ का नहीं चलेगा। बस लाइन याद रखनी है, बटाऊ एक कर लड़ दियो पग बाढ़ का नहीं चलेगा। यानी कि बटाड़ू का कुआ और पग बावड़ी दोनों कहाँ हो गई? बाड़मेर में। RJ4 हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं RJ5। RJ5, RJ5 कौन सा जिला है? भरतपुर। भरतपुर में आपको याद रखनी है गोल बाव। कौन सी याद रखनी है? गोल बावड़ी, गोल बावड़ी। सिर्फ एक ही है भरतपुर में, कौन सी याद रखनी है? गोल बाव। इसके बाद बात करते हैं हम लोग RJ6 की। RJ6 कौन सा है? भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक बात याद रखनी है, देखो
लाइन याद रखनी है, बस लाइन रख रख के याद करेंगे कि बाई ने, मतलब कि हमारी बहन को बोलते हैं हम बाई, बाई और मन्ने, बाई और मन्ने सीताराम, सीताराम की भक्ति चोखी लगे। देखो ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, बाई और मन्ने सीताराम की भक्ति, ये सीताराम, सीताराम की भक्ति के लागे, सुनन में चोखी लगे। बाई और मन्ने, मन्ने और बाई ने सीताराम की, भाई सीताराम की भक्ति चोखे लगा। बाई से याद रखनी है बाई जी की बावड़ी, कौन सी बाई जी की बावड़ी। मन से याद रखनी है चिमना, मन से चिमना बावड़ी, कौन सी बावड़ी, चिमना बावड़ी याद रखेंगे। सीताराम से कर देंगे सीताराम बावड़ी, कौन सी सीताराम बावड़ी, और चोखी से कर देंगे चोखी बावड़ी। आरजे पांच में गोल बावड़ी, कौन सी गोल बावड़ी, भरतपुर में। उसके बाद आता है आरजे छह भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में क्या याद रखेंगे, बाई जी, बाई और मन्ने, बाई ने और मन्ने सीताराम की भक्ति चोखी लगे, बाई ने मन्ने सीताराम की भक्ति चोखी लगे। तीन चार बार बोलोगा आ लाइन, तीन चार बार बोलोगा तो दिमाग में क्लिक होने लग जाएगी। क्या लाइन है कि बाई ने और मन्ने सीताराम की भक्ति चोखी लगे, बाई ने और मन्ने सीताराम की भक्ति के लगे चोखी लगे। ये आ गया हमारा आरजे छह। आरजे छह के बाद आता है हमारा आरजे सात। आरजे सात जिला कौन सा है, आरजे सात जिला है हमारा बीकानेर, कौन सा जिला है बीकानेर। आरजे सात बीकानेर जिले की बात कर रहे हैं, आरजे सात बीकानेर जिले की बात कर रहे हैं। बीकानेर में आपको बस एक ही याद रखनी है, कौन सी बावड़ी है, कोडम देसर, कौन सी बावड़ी है, कोडम देसर बावड़ी, बस एक ही बावड़ी याद करनी है आरजे सात की। अब बात करते हैं आरजे आठ की। देखिए आरजे आठ में बहुत सारी बावड़ियां हैं, बहुत सारी बावड़ियां। आरजे आठ यानी कि आरजे एट, और बूंदी खाओ बढ़ेगा वेट, यानी कि आरजे एट कहाँ का है, बूंदी का है, खाओ बूंदी बढ़े का वेट, बूंदी का है आरजे एट, कौन सा आरजे एट कहाँ का है, बूंदी। अरे खाओ बूंदी बढ़ेगा वेट, बूंदी का है आरजे एट, आरजे एट कहाँ का है, बूंदी का। बूंदी में हम लोगों ने देख ली थी कि रानी जी की बावड़ी नाथावती, लाड़कों ने उसकी पत्नी जिसको कि बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, बुआ भतीजे की बावड़ी कहा जाता है, गीतों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी कहा जाता है, और कल्पित स्थापत्य कला की दृष्टि सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी थी, रानी जी की बावड़ी थी, कल्पना वाली बावड़ी। देखो उसके बाद बूंदी में बावड़ियां कौन कौन सी है वो हम एक ट्रिक लगाएंगे, एक लाइन है बस, स्टोरी है, दो स्टोरियां, एक स्टोरी जो भी है आपने याद करनी है, बस सिंपल सिंपल तरीके से याद करेंगे एकदम आराम से। सबसे पहली कौन सी है, देखो बात करते हैं अनारकली, अनारकली नाम की एक लड़की है, अनारकली मेघदूत, अनारकली मेघदूत और शाम के साथ, अनारकली मेघदूत और शाम के साथ नाना के घर गई, कहाँ गई, नाना के घर, और नाना का नाम क्या था, सहुनाथ था, क्या नाम था, सहुनाथ। अनारकली मेघदूत और शाम के साथ नाना के घर गई, नाना का नाम क्या था, सहुनाथ। नाना के घर के अंदर कहाँ घुसी, अंदर घुस गई। अनारकली मेघदूत और शाम के साथ नाना के घर, नाना का नाम सोना था, नाना के घर के अंदर घुस गई। तो नाना जी ने उसको देखा और बोला, नाना जी ने उसको देखा और बोला कि यहाँ मस्ती, मस्ती से याद रखना है चिश्ती, मस्ती और चिश्ती सेम साउंड आ रहा है, मस्ती और चिश्ती की, यहाँ मस्ती मत कर, यहाँ मस्ती मत कर, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नारकली मेघदूत और श्याम के साथ नाना के घर गई, नाना का नाम था सोनाथ, नाना के घर के अंदर घुसी, नाना ने बोला कि यहाँ पे मस्ती मत कर। अब अनारकली से अनारकली बावड़ी हो गई, मेघदूत से हो गई आपकी मेघदूत बावड़ी, शाम से हो गई शाम बावड़ी, नाना से हो गई नाना, या इसको धाबाई बावड़ी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धाबाई बावड़ी, धाबाई बावड़ी भी इसको बोला जाता है, सोमनाथ बावड़ी। घुस से याद रखनी है नादर घुस, कौन सी नादर घुस, और चिश्ती से याद रखनी है चिश्तियां बावड़ी, कौन सी बावड़ी, चिश्तियां बावड़ी। देखिए अनारकली मेघदूत और शाम के साथ, किसके साथ, अनारकली मेघदूत और शाम के साथ नाना जी के घर गई, नाना का नाम था सहुनाथ, घर के अंदर घुसी, घुसते नाना जी ने बोला कि यहाँ मस्ती, मस्ती या चिश्ती, मस्ती से याद रखना चिश्ती की, यहाँ पे मस्ती मत करो, घर से बाहर जाके खेलो।
अब देखो इधर आ जाइए, इधर देखिए, चंपा, चंपा का की कौन है? चंपा का की, चंपा का की व्याम है, चंपा का की व्याम है, तोल करके यानी कि तोल कर वेट करके, चंपा का की व्याम है, तोल गे के बंटी बूंदी, तोल गे के बंटी बूंदी, और बूंदी में के मिले डो गुलाब की पत्तियां मिलेडी। देखो चंपा का की व्याम है, तोल गे बूंदी बंटी, बूंदी में गुलाब की पत्तियां मिलाडी, के पत्तियां मिलाडी, गुलाब की पत्तियां, पत्तियां यानी फूल, गुलाब का फूल पत्ती एक ही बात है, गुलाब का क्या मिलाडा? फूल और पत्ती। चंपा का की व्याम है, तोल गे बूंदी बंटी, जिसके हम गुलाब और फूल, गुलाब और फूल मिलाएडा। अब देखो इनसे कौन कौन सी बावड़ियां आती है निकल के, ये दो लाइनें याद रखनी है बस। चंपा बाव, काकी बाव, व्यास बाव, बाव का मतलब बावड़ी है यहाँ पे, फिर तोल बावड़ी, बूंदी से मतलब कि किसकी बात चल रही है, बूंदी की बावड़ियों की बात चल रही है, और यहाँ पे गुलाब बाव, और ये यहाँ पे आपकी फूल बाव नहीं है, फूल सागर है, फूल सागर है, क्योंकि जो फूल बाव है वो तो कहाँ पे है, नागौर में, अरे सर में, या कहीं पे भी एकदम फुल बाव यानी कि दर्द एकदम फुल बाव आ जाए तो हमें गौर नहीं करनी है, जो एक जैसी होंगी कंपैरिजन में साथ साथ करता चलूंगा। इसके बाद आपको दो बावड़ियां याद रखनी है लास्ट में, जिसका नाम है जेत सागर, कौन सी? जेत सागर, और एक है नागर सागर, कौन सी? नागर सागर। ये आ गई प्रमुख अपनी बूंदी की बावड़ियां जो एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकती है, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। अनारकली मेघदूत और श्याम के साथ नाना के घर गई, नाना का नाम था सौनाथ, अनारकली मेघदूत श्याम के दास नाना के घर के अंदर घुसी, घुसते ही नाना ने बोला कि यहाँ पे मस्ती, मस्ती से याद रखो, चिश्ती मत करो। फिर चंपा का की व्याम में तोल के बूंदी बंटी, जखिम गुलाब का फूल मिलेडा, चंपा का की व्याम में तोल के बूंदी बंटी, जखिम गुलाब का फूल मिलेडा, चंपा बाव, काकी बाव, व्यास बाव, तोल बाव, बूंदी मतलब बूंदी से है गुलाब बावड़ी, फूल सागर, जेत सागर और नागर सागर, जेत सागर के किनारे सुख महल बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विष्णु सिंह ने करवाया था। इसकी ये बात भी आपको याद रखनी है कि जेत सागर के किनारे कौन सा महल बना हुआ है? सुख महल बना हुआ है, जिसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। ये प्रमुख बावड़ियां हो गई आपकी बूंदी की। सबसे पहले रानी बाव, वो तो अलग से रखनी रखनी विशेष बावड़ी है, रानी बाव, अनारकली, मेघदूत, श्याम, नाना, सोनाथ, नादर, गुस्तिया, चंपा, काकी, व्याम है, तोल के गुलाब का फूल, तोल के बूंदी बंटी से कम गुलाब का फूल है मिलाड़ा, लास्ट में जेत सागर और नागर सागर। और जेत सागर किनारे क्या बना हुआ है? जेत सागर के किनारे सुख महल बना हुआ है, और सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अरे विष्णु सिंह ने करवाया था। भगवान विष्णु की भक्ति करो तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है पूरे जीवन में, तो सुख महल किसने करवाया था? विष्णु सिंह ने निर्माण करवाया था। आरजे आठ के बाद आता है आरजे नौ, आरजे आठ के बाद आपका क्या आता है? आरजे नौ। और आरजे नौ कौन सा जिला है? आरजे नौ कौन सा जिला है? अरे आरजे नौ अगर आपके सामने, अगर आपके सामने क्या आ जाए, चाहे तो आ जाए चीता, चाहे आ जाए शेर, क्या करोगे आप? अरे आप डरते नो ही बोलो कि नो 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 भाग जाए यहाँ से, या फिर आपको बोलोगे कि आप चित्ते के साथ डर सकते हो क्या, तो आप क्या बोलोगे? नो। तो चित्तौड़गढ़ आरजे नो कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है जी। कहाँ का है आरजे नो? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ में चार पांच बावड़ी हैं, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले कौन सी? घी तेल बावड़ी। कौन सी? घी तेल बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? घी तेल बावड़ी। और घी तेल क्यों मिले? गाय भैंस मिले। तो दूसरी बावड़ी कौन सी आ जाएगी? गोमुख बावड़ी। गोमुख बावड़ी कौन सी आ जाएगी? गोमुख बावड़ी। चित्तौड़गढ़ की बावड़ियों की बात करें, सबसे पहले गीतेल बावड़ी, फिर गोमुख बावड़ी, और फिर आपको एक याद रखनी है कात्तण बावड़ी। कौन सी? कात्तण बावड़ी। कात्तण बावड़ी कौन सी बावड़ी? कात्तण। देखो गीतेल गाय से प्राप्त होता है, और गाय को चारा भी खिलाना पड़ता है, और चारा हमें क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है, तो काटन, काटन से याद रखो कातन। क्या याद रखोगे? कातन। और एक लास्ट में याद रखनी है, देखो घी तेल गाय से प्राप्त होता है, गाय खाती है चारा, चारा हमें काटना पड़ता है, और जब आप मशीन से चारा काटते हो, चारा काटने वाली मशीन से, तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, और गुस्से को बोलते हैं मारवाड़ी बोल लो, राजस्थानी बोल दो, बागड़ी बोल दो, हमारे क्षेत्र में गुस्से को बोलते हैं झाड़। क्या बोलते हैं? झाड़।
तो घी तेल मिले गाँव गा खातर हरे काटनो पड़े चारों काटनो पड़े चारों काटा अपन क्या सी जालास जाल यानी गुस्सा। तो जाल से याद रखनी है जाली बाव, कौन से याद रखेंगे जाली बाव। ये आपको चित्तौड़गढ़ की प्रमुख है बावड़ियां याद रखनी है, घी तेल बावड़ी, गोमुख बावड़ी, कत्तन बावड़ी और झाली बावड़ी। इसके अलावा रतन सिंह और पद्मिनी, गोरा बादल, इस तरह के जलाशय, भीमलत जलाशय, हाथी सागर, ये भी वहां पे बने हुए, लेकिन बावड़ी की प्रमुखता बात करें तो ये बावड़ियां वहां पे बनी हुई है। अब आरजे 9 के बाद आता है आरजे 10, और आरजे 10 कौन है, आरजे 10 तो है चूरू। आरजे 10 क्या है चूरू, आरजे 10 क्या है चूरू। और चूरू की अगर बात करें तो चूरू में कौन कौन सी बावड़ी है, दो ही बावड़ियां आपको याद रखनी है, एक तो सेठानी, सेठानी का जोहड़ और दूसरा याद रखना है पथराला और पिथाना बावड़ी के दो जोड़ के दो। चूरू में याद रखें सबसे पहली बात चूरू क्या है, आरजे दस मतलब चूरू। उसके बाद कौन कौन सी है, एक तो सेठानी का जोहड़, एक है पथराला। देखो सेठानी को क्या पसंद है, चूरू से याद रखें, अरे रोटी चूर के घी डाल के गुड़ डाल के जो चीज बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, चूरमा बोलते हैं। और सेठानी को क्या पसंद है, चूरमा। क्या पसंद है, चूरमा। लेकिन वो चूरमा नहीं खा सकती क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है, पत्थर की प्रॉब्लम है। सेठानी को क्या पसंद है, चूरमा वो नहीं खा सकती क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है, पत्थर की, यानी पथराला और पिथाना। तो आरजे 10 चूरू, सेठानी का जोड़ और पथराला जोहड़। उसके बाद आता है आरजे ग्यारह कौन सा जिला है, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। अरे धौलपुर आरजे 11 कैसे याद रखोगे, याद रखने के लिए बता देता हूँ साथ साथ में। देखो धौलपुर यानी धौलपुर को याद रखो, दौड़ियो यानी छोटो टाबर। वो टाबर की उम्र की है, बस सिंपल सी बात है, टाबर की उम्र की है 11 साल। दौड़ियो छोटो टाबर की उम्र की है 11 साल। अब धौलपुर में कौन सी बावड़ी है, धौलपुर में एक ही बावड़ी आपको याद रखनी है जिसका नाम क्या है, तालाब ए शाही। कौन सी है, तालाब ए शाही। कहाँ याद रखनी है, धौलपुर में आपको याद रखनी है। आरजे 10 में सेठानी को चूरमा पसंद लेकिन पथरी की प्रॉब्लम नहीं खा सकती, और आरजे ग्यारह मतलब है धौलपुर, और धौलपुर में आपका कौन सा हो गया, तालाब ए शाही। धौलपुर में कौन सा हो गया, तालाब ए शाही। इसके बाद हम बात करें आरजे 12 की, किसकी बात करें, आरजे 12 कौन सा जिला है, अरे डूंगरपुर है। कौन सा जिला है, डूंगरपुर। देखो आपने याद रखा कि धौलपुर, क्या याद रखा, धौलपुर के। चलो ये कभी वीडियो बनाएंगे स्पेशल इनके लिए, आरजे याद करवाने के लिए। अब सीधे देखो आरजे 12 डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक तो मैंने करवाई दी आपको, एक मेन तो पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, नवलखा। कौन सी, नवलखा, आसकरण की पत्नी प्रिमल दे ने निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की सबसे महंगी बावड़ी कही जाती है। 27वीं सीढ़ी को दोरी साल कहते हैं, शिव और विष्णु की मूर्तियां लगी, वैसे बहुत सी बातें, लेकिन आपको प्रमुख बात ये किसने निर्माण करवाया, उसको सबसे महंगी बावड़ी कहा जाता है। इसके बाद डूंगरपुर में कौन कौन सी है, डूंगरपुर के लिए बात याद रखो कि उदय भाई, कौन से, वेलकम मूवी वाले उदय सेट्टी, उदय भाई डूंगर पर बैठ के, डूंगर कहा जाता है पहाड़ को, उदय भाई डूंगर पे बैठ के क्या खा रहे हैं, एक तो खा रहे हैं केला, क्या खा रहे हैं केला, केले के साथ खा रहे हैं डोसा। अरे उदय भाई डूंगर पे बैठ के केला भी खा रहे हैं, डोसा भी खा रहे हैं, और बीच में गैप भी नहीं दे रहे, बिल्कुल भी गैप नहीं दे रहे, दड़ा दड़ चेपन आ रहे। उदय भाई डूंगर पे बैठ के केला और डोसा खा रहे हैं, उदय भाई डूंगर पे बैठ के केला और डोसा खा रहे हैं, बीच में गैप नहीं दे रहे हैं, अरे इतना अड़ंगा बड़ंगा खा रहे हैं, तो लगता है कि उनके कितने मुँह हैं, 3 मुँह हैं। एक मुँह से खा सकता है कोई, इतने लगातार बिना गैप के नहीं खा सकता, तो उनके कितने मुँह हैं, 3 मुँह हैं। 3 मुँह से याद रखोगे त्रिमुखा बावड़ी। कौन सी, त्रिमुखा बावड़ी। उदय से उदय बाव, डूंगरपुर से बात चल रही है डूंगरपुर की बावड़ियों की, केला से केला बाव, डोसा से डोसा बाव, गेप से याद रखेंगे गेप सागर, क्या नाम है, गेप सागर, जिसके किनारे बादल विलास महल बना हुआ है और विजय राज राजेश्वर मंदिर भी बना हुआ है, जिसको विजय सिंह ने जिसका निर्माण करवाया था। ये आगे डूंगरपुर की बावड़ियां, नवलखा मेन है याद रखनी ही रखनी है, नवलखा मेन है याद रखनी रखनी है। उदय बाव डूंगरपुर,
यानी कि उदय उदय भाई डूंगर पे बैठ के केला डोसा खा रहे हैं और बीच में गैप नहीं दे रहे बिल्कुल। यार इतना कोई खा सकता है क्या, उनके तो तीन मुंह है तभी वो इतना खा रहे हैं। तो त्रिमुखा बावड़ी होगी। अब देखिए डूंगरपुर की नवलखा तो आपको सबसे पहले याद रखनी है। नवलखा मतलब डूंगरपुर। नवलखा बावड़ी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, नवलखा बावड़ी की। अब देखिए आरजे 12 के बाद हम देखते हैं आरजे 13 की बात करें तो आरजे 13 हमारा जो जिला है वो है गंगानगर। गंगानगर में कोई भी बावड़ी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं राजधानी की, इसकी बात करते हैं राजधानी आरजे 14 मतलब जयपुर। कौन सा, जयपुर। आरजे 14 मतलब जयपुर। जयपुर में कौन कौन सी है, जयपुर में आप कौन कौन सी याद रखेंगे। सबसे पहले जयपुर में याद रखेंगे कि सात घोड़ों की बावड़ी। कौन सी, सात घोड़ों की बावड़ी। और दूसरी याद रखनी है आपको पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी। देखिए एक तो है सात घोड़ों की बावड़ी, एक है पन्ना मीणा की बावड़ी। याद आप कैसे रखेंगे कि सात घोड़े कौन रखता है, भगवान है। सूर्य रखते हैं अपने रथ में जोड़े हुए, कितने घोड़े, सात घोड़े। और सूर्य भगवान की हम क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं। तो सूर्य बावड़ी सॉरी सात घोड़ों की बावड़ी कहाँ हो गई, जयपुर में हो गई। और पन्ना मीणा की बात करें तो पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है, जयपुर में है। और एक आती है पन्ना लाल शाह है, पन्ना लाल वो आगे पढ़ेंगे, पन्ना लाल शाह है, पन्ना लाल शाह है। अब दोनों को देखिए, ये शाह है ये मीणा है। तो मीणा कहाँ रहते हैं, जयपुर सवाईमाधोपुर दौसा इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो मीणा वाली कहाँ आएगी, पन्ना मीणा की जयपुर में। और पन्ना लाल शाह की आ जाए तो वो कहाँ आ जाएगी, खेतड़ी झुंझुनू में आ जाएगी। ये आ गई आपकी जयपुर आरजे 14 तक। आरजे 14 के बाद अगर हम बात करें तो आरजे 15 कौन सा जिला है, आरजे 15 है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। आरजे 15 जैसलमेर। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तांपू कीजिए साण। देखिए आरजे 15 जैसलमेर। जैसलमेर में आपको याद रखनी है गढ़ीसर। कौन सी, गढ़ीसर, गढ़चीसर भी बोल सकते हो, गढ़ीसर भी बोल सकते, बस एक ही है जैसलमेर की। कौन सी है, गढ़ीसर। जैसलमेर यानी सूर्य नगरी, देखिए स्वर्ण नगरी। सोए देखिए आरजे 15 जैसलमेर में गढ़चीसर। अब आती है आरजे 16। आरजे 16 कौन सा जिला है, आरजे 16 है हमारा जालौर जिला। जालौर जिले में आपको कोई भी बावड़ी याद नहीं रखनी है। उसके बाद आता है आरजे 17। कौन सा, आरजे 17 आएगा आपका झालावाड़। झालावाड़ में भी आपकी कोई बावड़ी नहीं है। और फिर आता है आरजे 18। आरजे 18 कौन सा है आपका, आरजे 18 है झुंझुनू में आपको कौन सी बावड़ी याद रखनी है। झुंझुनू में आपको बहुत सारी बावड़ी याद रखनी है, वो आपको एक तरीके से बताता हूँ, वैसे जैसे हम पीछे पढ़ते हैं उसी तरीके से बताता हूँ। देखो एक है मेड़तनी, क्या नाम है, मेड़तनी। मेड़तनी पन्नालाल के साथ, किसके साथ, पन्नालाल के साथ। मेड़तनी पन्नालाल के साथ खेत गई, कहाँ गई, खेत गई। वहां पे उन्होंने क्या देखा, भूत देख लिया। क्या देख लिया, भूत देख लिया। मेड़तनी पन्ना लाल शाह के साथ खेत गई, वहां पे उन्होंने भूत देख लिया। भूत से उनकी लड़ाई हुई और लड़ाई में वो भूत से जीत भी गई। बस ये बात याद रखनी छोटी सी, बशर्ते आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, झुंझुनू की। ये तो देखो थोड़ी सी मेहनत करने पे ही होगा। ट्रिक मैंने बता दी सारी की सारी, बावड़ियां एक ही बात में आपको याद आ जाएंगी कि मेड़तनी पन्ना लाल के साथ कहाँ गई, खेत गई। वहां पे उन्होंने क्या देखा, वहां पे उन्होंने भूत देखा। भूत से उनकी लड़ाई हुई, वो जीत भी गए। मेड़त से याद रखेंगे मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, बख्त कंवर। किसने, बख्त कंवर, जो किसकी पत्नी थी, वाइफ ऑफ शार्दुल सिंह। कौन जी, शार्दुल सिंह की पत्नी थी। और हमारे जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है उनका नाम भी शार्दुल जी है। देखिए पन्नालाल का मैंने अभी बताया था कि पन्नालाल मीणा जयपुर दौसा स्वाईमाधोपुर यानी कि जयपुर में है। और पन्नालाल शाह का तालाब बोला जाता है, जो कहाँ पे है, कहाँ पे है पन्नालाल शाह का तालाब, झुंझुनू में। उसके बाद आती है खेतना बावड़ी, खेत से खेतना।
भूत से भूतैना बावड़ी, और जीत से आ जाएगा आपका अजीत सागर। क्या आ जाएगा? अजीत सागर। बस कुछ नहीं, नाम नाम याद रखने में और कोई विशेष बात नहीं, आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। मेड़तनी का पूछ सकता है किसने निर्माण करवाया, तो बख्त कंवर ने निर्माण करवाया, जो किसकी पत्नी थी, साधु सिंह की पत्नी थी। तो मेड़तनी पन्नालाल के साथ खेत में गई जहाँ पे भूत देखा और भूत से लड़ाई और वो जीत गए। आरजे 18 की बात हम लोग कर चुके हैं, आरजे 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आरजे 18 तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे का जो वीडियो है पार्ट नंबर 3, आरजे 19 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जोधपुर की प्रमुख बावड़ियां पढ़ेंगे, जिनमें महिलाबाग, झालरा, तुवर जी का झावड़ा, झालरा तिवारी जी का झालरा, रानी सागर, पदम सागर, जालब बावड़ी, तापी बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, नैणसी बावड़ी, ये प्रमुख बावड़ियां जोधपुर की है, वो भी हमें पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद जी।